मस्जिद विवाद को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। जी हां, उन्होंने ये कहा है कि लोगों को इतिहास की लड़ाई में धकेला जा रहा है। देश की 14% आबादी दबाव का सामना कर रही है। ऐसे माहौल में कोई देश महाशक्ति बन नहीं सकता। ओवैसी ने कहा है कि हर वाहिनी, परिषद और सेना के पीछे सत्ताधारी पार्टी है। उनका कर्तव्य है कि वे पूजा स्थल अधिनियम की रक्षा करें और इन झूठे विवादों को समाप्त करें। दरअसल देश में मंदिर मस्जिद का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें, संभल के बाद अब जौनपुर जिले की अटाला मस्जिद के मंदिर होने का दावा यहां पर किया गया है। अटाला मस्जिद विवाद का मामला अब हाई कोर्ट पहुंच चुका है। वही 14वीं शताब्दी में बनी इस मस्जिद के मंदिर होने का दावा किया गया है। इसको लेकर जिला कोर्ट में एक याचिका भी डाली गई है।